नमस्कार एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी पांडे। चलिए चलते हैं आप खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधी के बहरी सिंहवाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमपी में मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले लोगों को बांटकर राजनीति की जाती थी। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली है। अब वोट बैंक और लोगों को बांटने की राजनीति नहीं चलेगी, अब विकास की राजनीति होगी। बताना होगा आपने क्या काम किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि 10 साल पहले गणेश जी भी चाइना से आते थे, अब गणेश जी हो या लक्ष्मी जी, सब भारत में बन रहे हैं। आज भारत खिलौने के एक्सपोर्ट में 2.5 गुना की वृद्धि कर गया है। पहले आपके पास मेड इन चाइना का मोबाइल होता था और अब आपके पास मोबाइल पर मेड इन इंडिया लिखा होता है। पीएम मोदी ने हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि 10 साल पहले पाकिस्तान से जब पूंछ में गोली चलती थी तो वो नगरोट सेंटर पर रिपोर्ट करते थे। नगरोट चंडी मंदिर को रिपोर्ट करता था और चंडी मंदिर दिल्ली में रिपोर्ट करता था और वहां से आदेश आता था कि अभी रुको अभी रुको। जब से मोदी जी पीएम बने हैं, आपके यहां से गए हुए जवान को आदेश है, जहां गोली चले वहीं भून डालो। हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा की घटना तो देश के पीएम ने खुले मन से कहा, पाकिस्तान तुमने गलती कर दी है, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जितने हमारे खिलाफ चल रहे थे सभी को ध्वस्त कर दिया। देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए ये नारा सही है, अब की बार 400 पार। किसी और बिरादरी का और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, और उसके बाद सबका वोट लिया, सबका वोट, और वोट लेने के बाद सरकार किसी जाति की बन गई, किसी वर्ग की बन गई, किसी समुदाय की बन गई, वह सबकी सरकार नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत की राजनीति की परिभाषा बदल डाली। अब न जात पर न पात पर, अब जब परिभाषा बदली तो क्या बदली? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी? अब लोगों को गुमराह करके पॉलिटिक्स नहीं चलेगी? अब जातियों में और वर्ग में बांट करके राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति होगी तो वो विकास की राजनीति होगी और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा ये गाड़ियों के बारे में, ये टोयोटा, ये डैटसन, ये जापान के बारे में। आज ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और भारत दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर खड़ा। अब हमारे से आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना है, तीसरे पर भारत खड़ा। आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। 10 साल पहले यही मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आपके यहां से भी नौजवान देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आज बॉर्डर पर आज अपने प्रहरी के रूप में खड़े थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं पहाड़ से आता हूं, मैं बॉर्डर से आता हूं। 10 साल पहले पाकिस्तान जब हमारे ऊपर गोली चलाता था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुंछ पे अगर गोली चलती थी तो वो रिपोर्ट करता था नगरोटा के सेंटर पर, नगरोटा रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर पर, और चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली हेडक्वार्टर को, और दिल्ली हेडक्वार्टर से कमांड आता था अभी रुको अभी रुको अभी रुको। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आपके यहां का गया हुआ जवान जो प्रहरी है उसको मोदी जी का आदेश है, जहां से गोली चले वही खून डालो और उसका जवाब दे दो। ये परिस्थिति कभी आपने सोचा था? बताइए, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है कि नहीं है? हमारे बॉर्डर सुरक्षित है कि नहीं है? हमारे मोर्चे सुरक्षित है कि नहीं है? आपको जानकर आज कभी सोचा था कि अगर उरी ने, पाकिस्तान ने कोई घटना घटा दी हो तो 10 दिन के अंदर हमारे जवान जाकर के यहां झांसी से, यहां आगरा से, यहां ग्वालियर से, यहां से जाकर के
और घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां पर उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरीके की परिस्थिति, अगर पुलवामा की घटना घटी तो देश के प्रधानमंत्री ने खुले मन से दुनिया को कहा, पाकिस्तान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। कभी सुना था किसी प्रधानमंत्री को ऐसे बोलते हुए? कभी सुना था? बोलो भैया, सुना था? 10 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे खिलाफ चल रहे कैंप थे उनको ध्वस्त कर दिया। इस तरीके की परिस्थिति खड़ी हुई। इसलिए मित्रों, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, हर दृष्टि से देखा जाए, आज देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए ये नारा सही है कि अब की बार 400 पार।